का नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपसे बोला गया है इफ आर एन टी आर राइज एंड थ्रेड ऑफ अफर स्ट्रेयर स्पेनिंग हॉरिजॉन्टली द स्टेप आर सपोर्टेड बाय अ वॉल ऑन वन साइड एंड बाय अ स्ट्रिंगर बीम ऑन द अदर साइड द स्टेप्स आर डिजाइंड बाय एज बीम ऑफ विड्थ आर प्लस टी टी माइनस आर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर एंड आर माइनस टी। ठीक है, इस तरह से कुछ होता है अब बेटा, ये आपका होता है कुछ इस तरीके का होता है आपका। ठीक है, सपोज करो ये आपका मैं क्रॉस सेक्शन ले रहा हूँ। ठीक है, एक आपका ये आपका पीछे से आपका स्ट्रिंगर बीम होगा। पहली बात तो ये है खास बात इस क्वेश्चन में, ये बात आपकी खास है, वो ये खास बात है, ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आपका कौन सा बीम आपका यूज होता है, वो होता है आपका स्ट्रिंगर बीम यूज होता है। ये काफी बार एग्जाम में आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है बेटा, पहला क्वेश्चन आपका ये बनता है एग्जाम में। दूसरा क्वेश्चन आपका बनता है कि आपका आपका बोला गया है आर एन टी आर राइज एंड थ्रेड, आर आपका राइज है टी आपका थ्रेड है। ठीक है, तो बेटा जब आप इसमें आप पाइथागोरस लगाते हैं तो ये आपका होता है आपका जो आप ये इंक्लाइंड वाला सरफेस देख पा रहे हैं अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये होता है आपका अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। तो जो स्टेप होता है तो वो आपका किस विड्थ के डिजाइन होता है, वो आपका होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर विड्थ के लिए, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। सो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो विड्थ ऑफ द स्टेप आर डिजाइन फॉर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर।